बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2024 का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बात करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झाबुआ दौरे की। जनजातीय महासभा को उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान पीएम ने कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा कि चुनाव प्रचार के शंखनाद के लिए नहीं बल्कि जनता का आभार जताने के लिए आए हैं। उन्होंने आदिवासियों को देश का गौरव बताया, साथ ही भरोसा दिया कि उनके सपने पूरे होंगे और कहा कि ये मोदी का संकल्प है। पीएम ने 7300 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सीएम यादव भी शिरकत करने पहुंचे। तो आदिवासियों को देश का गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है। बेहद खास ये दौरा मध्य प्रदेश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा। झाबुआ पहुंचे और झाबुआ से आने वाले चुनावों को लेकर के शंखनाद प्रधानमंत्री ने कर दिया है। हमारे मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय समीर उराव जी, आदिवासी समाज का जैकेट लेकर तो वहीं झाबुआ में पीएम मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ता को बूथ मैनेजमेंट का नया फॉर्मूला दिया। पीएम ने कहा कि इस बार हर बूथ पर अगर 370 वोट ज्यादा मिलेंगे तो 370 सीटें मिलना पक्का हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वोट बूथ में मिले थे उसमें इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए। करेंगे, यानी आपके पोलिंग बूथ में जितने वोट ज्यादा पहले मिले थे उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है। लाएंगे, हिसाब किताब करेंगे, एक एक मतदाता की सूची बनाएंगे, सरकार के काम उसको बताएंगे, उसने कौन कौन सी योजना का लाभ उसके घर तक पहुंचा है ये बताएंगे उसको, और जिसको अभी पहुंचा नहीं है उसको विश्वास देंगे कि मोदी जी फिर से आकर के काम पूरा करेंगे। बताओगे, अब एक पोलिंग बूथ में अगर आप नए 370 वोट अपने गुजराती में 370 कहिए ने, हाँ 370 वोट अतिरिक्त होने चाहिए। अगर ये मेरे हर बूथ में हो गया तो 370 पार पक्का करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ से एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा भी दिया। सुनिए, इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं 24 में 400 पार, 24 में फिर एक बार। तो वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला भी बोला। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी, ये बातें उनके द्वारा कही गई हैं। अब 2024 में कांग्रेस का सफाया तय है। कांग्रेस में भगदड़ मची है, लूट और फूट कांग्रेस की ऑक्सीजन है। सुना है कि इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने खूब भगदड़ भी मची हुई है। जनता की उपेक्षा करने वालों का यही हश्र होता है। कांग्रेस अब अपने पापों के दल दल में फंस चुकी है। वो उससे निकलने की जितनी कोशिश करेगी उतना ही और धंसेगी। अपनी हार सामने देखकर कांग्रेस और उसके साथी
अब अपने आखिरी दांव पेच इस्तेमाल करने में लग गए हैं। कांग्रेस और उसके दोस्तों की दो ही ताकत है, जब ये सत्ता में रहते हैं तब लूटते हैं, जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो लोगों को लड़वाते हैं, यानी लूट और फूट, यही कांग्रेस की ऑक्सीजन है। इनको बंद करते ही कांग्रेस पार्टी का सियासी दम टूटने लग जाता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिदेव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा का चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। सिदेव ने स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों का हवाला दिया और आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने आगामी आम चुनाव में प्रदेश की आधी सीटें जीतने की संभावना भी जताई है। सिदेव ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ की 11 में से 5 से 6 सीटें जीत सकती है। अभी मीटिंग भी हुई थी, वहाँ बात भी आई थी। मैंने कहा व्यक्तिगत मेरे पारिवारिक कारण हैं, स्वास्थ्यगत कारण हैं परिवार के, उन परिस्थितियों में मैं लड़ नहीं पाऊँगा। और कई लोग कहते हैं सरगुजा से आप लड़ेंगे क्या, तो वो तो आरक्षित सीट है। कि अन्य जगह से भी बात आई थी, कोरबा से भी बात आई थी, बिलासपुर से भी बात आई थी, तो मैं उस स्थिति में ही नहीं हूँ। लेकिन आधी से ज़्यादा सीटों में कांग्रेस की अच्छी संभावना है और हम लोग चाहेंगे कि आधी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीते, प्रयास रहेगा सभी जीतने का। तो सिदेव पर डिप्टी सीएम का तंज सामने आया। टीएस सिदेव पर अरुण साव ने निशाना साधा। चुनाव नहीं लड़ने के बयान पर साव ने कहा कि कांग्रेस चुनाव से पहले मान चुकी है हार। बड़े कांग्रेस नेताओं का लड़ने से इनकार, प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतेगी बीजेपी। सिदेव ने चुनाव लड़ने से इनकार किया था, उसके बाद डिप्टी सीएम का ये निशाना सामने आया है। उन्होंने निशाना साधा कि हार कांग्रेस मान चुकी है। कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, इसका मतलब ही स्पष्ट हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी हार मान चुकी है और छत्तीसगढ़ में हम 11 की 11 लोकसभा सीटें जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे। जनता आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है। एक तरफ सहदेव छत्तीसगढ़ की आधी सीटें जीतने की उम्मीद जता रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी ने प्रदेश की सभी 11 विधानसभा सीटें जीतने की तैयारी तेज कर दी है। और इसी कड़ी में बीजेपी ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यालय खोलने का ऐलान भी किया है। पार्टी ने ये ऑफिस खोलने की जिम्मेदारी क्लस्टर प्रभारियों को दी। गौरतलब है कि बीजेपी ने पूरे छत्तीसगढ़ को 3 क्लस्टर में बांटा है। लोकसभाओं में कार्यालय का लोकार्पण कर चुके हैं, हमारी गतिविधियां बढ़ गई है। नीचे स्तर पर विधानसभा में कार्यालय का गठन करना, जो हमने लगभग 34 कमेटियां बनाई हैं, उसको लोकसभा के बाद में विधानसभा तक स्तर पर चुनाव की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसको इम्प्लीमेंट करना। और नीचे तक हमने अपना वॉल राइटिंग अभियान प्रारंभ कर दिया, हमने बूथों की बैठक लेना कर दिया, घर घर चलो अभियान प्रारंभ कर दिया। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के जो हितग्राही है उनसे संपर्क अभियान भी हमारा प्रारंभ हो चुका है। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि इस बार 400 पार, फिर मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ में अब डबल इंजन की सरकार है, इसलिए 11 की गया लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी विजय सिंह का परम चक्र लहराए, उसके लिए कार्यकर्ता मैदान में है। कार्यकर्ता को तैयारी के संबंध में लगातार बैठ के चल रही है। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो प्रदेश नेतृत्व तो लगातार इन संपर्क में सबके साथ में लगा हुआ है। तो कांग्रेस तो गुटबाजी की जननी है साहब, यहाँ तो व्यक्ति पर आधारित राजनीति चलती है, परिवार पर आधारित राजनीति चलती है, इसमें क्या है। नरसिंहपुर दौरे पर मंत्री प्रहलाद पटेल रहे और गांव चलो अभियान में उन्होंने शिरकत की। बढ़ियाखेड़ा गांव में स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण भी उनके द्वारा किया गया। लोकसभा में सभी 29 सीटें जीतने का दावा उनके द्वारा किया गया। स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण इस दौरान किया, नरसिंहपुर का हम जिक्र कर रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र बना है और इसी बीच 29 सीटें जीतने का दावा भी प्रहलाद पटेल द्वारा किया गया।
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल नर्मदापुरम, होशंगाबाद और नरसिंहपुर लोकसभा क्षेत्र की क्लस्टर बैठक में शामिल हुए। बैठक में बीजेपी के पदाधिकारियों के अलावा जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति बनाई गई। के तैयारियों के संबंध में बृहद चर्चा हुई है। मोदी जी को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ा है और एक आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में अपने लक्ष्य के करीब पहुंच गया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। अंबिकापुर का जिक्र करते हैं। अमर अग्रवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर निशाना उनके द्वारा साधा गया। सरगुजा में राहुल के दौरे का बीजेपी को लाभ मिलेगा, यह उनका कहना है। बीजेपी को पिछली बार से बड़ी जीत इस बार मिलेगी, ये बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी के द्वारा ये बड़ा बयान दिया गया राहुल गांधी की यात्रा पर। कि जहाँ जहाँ वो गए, जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के, तहाँ तहाँ बंठाधार। 425 से लीड किए, अभी हम लोग 1,92,000 से आगे हैं। ये 8वें विधानसभा में, लोकसभा में राहुल गांधी आने के बाद मुझे उम्मीद है कि ये आंकड़ा और पार हो जाए। मनेन्द्रगढ़ की बात करते हैं। यहाँ पर भी कांग्रेस की यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। राहुल गांधी पर स्वास्थ्य मंत्री ने निशाना साधा। कांग्रेस की न्याय यात्रा पर श्याम बिहारी ने तंज कसा और कहा कि पहले अपने लोगों को न्याय दे कांग्रेस। कांग्रेस के लोग खुद न्याय खोज रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर यह निशाना बीजेपी के द्वारा साधा गया है। बता दें श्याम बिहारी ने ये बड़ी बातें कही हैं कि पहले जो है अंदर खाने में ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कांग्रेस को। कांग्रेस अपने लोगों के साथ न्याय करे, कांग्रेस के लोग ही न्याय खोज रहे हैं। राहुल गांधी जी पहले उनको न्याय दे दें, फिर वो न्याय यात्रा निकालेंगे। निकाले तो थे न्याय यात्रा, राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ। राहुल जी की न्याय यात्रा खूब चल रही थी। जिन जिन राज्यों में इनकी न्याय यात्रा गई, इनकी जनता ने इनका फैसला कर दिया। इस बार 0 सीट पाएगी, 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार हमारी छत्तीसगढ़ में चल रही है, उस इंजन के प्रभाव से 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ से देंगे और पूरे देश में अब की बार 400 पार। तो वहीं न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस में गुटबाजी भी देखने को मिली है और इसी को लेकर बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुटबाजी की जननी है, यहां व्यक्ति और परिवार पर आधारित राजनीति चलती है। प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी थे, राष्ट्रीय अधिवेशन में उसका फोटो गायब कर दिया था। राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या था, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। किस प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हो और उसकी सरकार हो और उसका प्रदेश राष्ट्रीय अधिवेशन में फोटो गायब कर दे, प्रभारी ने डांटने के बाद में छोटा सा एक कॉन्टेम फोटो लगाया था, तो अभी ये तो चलेगा। और इसलिए जब छत्तीसगढ़ में पूना इनके सर्वोच्च नेता राजकुमार पदार रहे, तो जरा कांग्रेस की करनी जो 5 साल की रही है, जरा उस पर भी अपना थोड़ा प्रकाश डाल देना। जिस प्रकार से इस प्रदेश में भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस नायक के रूप में रही है, वो जनता ने नकार दिया, 10% वोट पीछे गई है कांग्रेस पार्टी, इस पर भी तो राहुल गांधी जी थोड़ा सा प्रकाश डाले, इस पर भी तो कुछ कहे। और कुछ लोग तो जेल में है, कुछ लोग बेल में है और कुछ लोग इंतजार में है, जरा इन पर भी प्रकाश डाले। यहाँ आकर के ये छत्तीसगढ़ जाति वर्ग संघर्ष के आधार पर नहीं छत्तीसगढ़। कवर्धा में गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया। सीएए पर बोले हैं प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा। उन्होंने कहा कि सीएए नागरिकता लेने का कानून नहीं, सीएए नागरिकता देने का कानून है। चुनाव से सीएए का कोई लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें बीजेपी जीतेगी। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मतलब चुनाव से उस बात का कोई लेन देन ही नहीं है। सीएए जो है
यह नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है। तो चुनाव से पहले भी होने से क्या इशू है, और इसका चुनाव से कोई लेन देन है भी नहीं। कितना अंतर आ गया इस्लाम में? मैं वही कह रहा हूँ आपसे फिर से कि इससे चुनाव से कोई लेन देन नहीं, और अंतर तो कुछ नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ में तो 11 की 11 सीट नरेंद्र मोदी जी को जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है साहब। और इसी बीच बड़ी खबर का हम जिक्र करेंगे। आपको बता दें एमपी कांग्रेस के कई नेताओं के यहां पर आईटी का नोटिस जा सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, पिछले 7 साल के लेन देन की जानकारी भी मांगी गई है। 2019 का चुनाव लड़ने वाले नेताओं को यह नोटिस जारी हुआ है। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं को भी ये नोटिस जारी हुआ है। ये सूत्रों के हवाले से खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, चुनाव नजदीक आते हैं, आईटीईडी सक्रिय हो जाती है, लगातार कांग्रेस ये आरोप लगाती है और अब सक्रियता दिख भी रही है। कौन कौन से नेताओं को नोटिस जारी हुआ है, विस्तार से बताइए। देखिए, अभी जो नोटिस सामने आया है वो भिंड लोकसभा प्रत्याशी है देवाशीष जररिया, इनको नोटिस मिला है। और इसके अलावा लोकसभा के उस समय जो प्रत्याशी रहे हैं कुछ भिंड ग्वालियर के या उज्जैन क्षेत्र के, तो इन सांसद प्रत्याशियों को नोटिस मिला है। इसमें पिछले 7 साल का जो ट्रांजेक्शन हुआ इनका लेन देन का, या जो भी जितना भी आर्थिक बैंक अकाउंट है उसको लेकर इनकम टैक्स ने जानकारी मांगी है। बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग को भी प्रक्रिया होती है जिसमें जानकारी भेजना होती है कि आपने चुनाव में कितना खर्च किया, कितना ब्यौरा जमा किया, कितना पैसा आपके पास आया, तो इस तरह की डिटेल्स को लेकर भी कुछ गफलत थी। तो निर्वाचन आयोग ने भी इस मामले में इनकम टैक्स से कुछ जानकारी मांगी थी और इनकम टैक्स ने उस जानकारी के बाद इन नोटिस को भेजा है। तो करीब 5 से 7 ऐसे नेता हैं जिनके 7 सालों के ट्रांजेक्शन का ब्यौरा मांगा गया है, और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें वो प्रत्याशी खास करके जिन्होंने कि अपने खर्च का या ब्यौरा या लेन देन छुपाया है वो कहीं ना कहीं आईटी की रडार पर है और इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। तो वहीं विक्रांत भूरिया ने आदिवासियों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। विक्रांत भूरिया ने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार एमपी में हुआ। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि आदिवासियों के पैसों को दूसरे विभागों में ट्रांसफर किया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा है। जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं उसमें साफ दिखता है कि आदिवासियों पर अत्याचार पूरे देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में हो रहा है, और ये वही मध्य प्रदेश है जहां आदिवासियों की जमीनें छीनी जा रही हैं, उनको वन अधिकार पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, पैसा कानून को कमजोर करा जा रहा है, यहां तक कि जो ट्राइबल सब प्लान का पैसा है वो पूरा जो आदिवासियों के विकास, रोजगार और स्वास्थ्य में उपयोग होना चाहिए 207 करोड़ दूसरे विभाग को दे दिया जाता है। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। गंभीर हादसा भी है इसीलिए स्वयं यहाँ आया भी हूँ। 50 से ज्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है। होशंगाबाद सभी दुर्भाग मिल पर डॉक्टर की टीम तैनात कर दी। घटना के जांच के आदेश भी हमने दिए हैं। 100% करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि उनको भी याद रहेगा।